हेलो सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। उठ गया हूँ सोकर, मॉर्निंग के हुए हैं टाइम 6:45। और वही है, सबसे पहले करनी है प्रेस। प्रेस करने के बाद होना है रेडी, तो करते हैं पहले प्रेस और निकलते हैं टाइम से स्कूल के लिए। सो गाइस, हो गई है प्रेस, होते हैं अब रेडी, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। मैंने प्रेस की, उतनी देर में 20 मिनट निकल गए, अब होते हैं रेडी। सो गाइस, आ रहा हूँ नहाने, उसके बाद रेडी होना है। थोड़ा लेट हो गया हूँ, छोटे काम होते हैं मॉर्निंग में, हर कोई जानता है, उन्हीं वजह से लेट जाते हैं। तो मिलते हैं नहाने के बाद। सो गाइस, आ गया हूँ नहाकर और रेडी होते हैं अपने वही ट्रेडिशनल स्टाइल में। तो गाइस, ब्रेकफास्ट में बनाया है जमुना प्रसाद भैया ने पोहा, और उसके बाद चाय पीऊंगा, चाय भी बनाई हुई है। खाते हैं अपना ब्रेकफास्ट और पीते हैं चाय। सो चलते हैं गाइस। तो गाइस, सुनते हैं और टाइम हो गया है 8:30, मिलते हैं ऑन द वे। सो गाइज, मौसम तो बड़ा प्यारा हो रहा है, मस्त हवाएं चल रही हैं, देख सकते हो आप, ये पेड़ हिल रहे हैं बहुत तेज़ी से। बस ये लू में कन्वर्ट अभी होना स्टार्ट ना हो, वरना दिक्कत होगी। काफ़ी टाइम से सोच रहा था जिम जाऊंगा जिम जाऊंगा, बट जिम जाना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सोना आके सो जाता हूँ, फिर उठती है उठता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे, मन नहीं होता है जाने का। सो गाइस, आ गया हूँ स्कूल और धूप तो देख ही सकते हैं आप, कितनी तेज होना स्टार्ट हो गई है, आसमान बिल्कुल साफ है। तो मिलते हैं अब हम डिपार्चर के टाइम पर, और टाइम जो भी हुआ है, मैं पहुंचा हूँ स्कूल 8:24 पहुंचा हूँ। सो गाइस, टाइम हो गया है 2:12 और निकल रहा हूँ मैं स्कूल से, चलते हैं घर। मौसम तो बहुत तेज़ धूप वाला होने लगा है, इस वजह से बहुत तेज़ नींद आती है, तो सो जाता हूँ, इवनिंग में जा भी नहीं जाता हूँ जिम के बारे में पता करने।
सो गाइस आ गया हूँ घर और टाइम हो गया है 2:25। होता हूँ फ्रेश, मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। सो गाइस करते हैं अपना चेंज आज न्यू स्टाइल। सो गाइस हो गया हूँ फ्रेश, करते हैं अपना सर्व खाना, करते हैं लंच। तो लंच में देखते हैं क्या बनाया है जमुना प्रसाद भैया ने। तो लंच में बनाई है इन्होंने फूल गोभी और आलू की सब्जी। टेस्ट में बस नमक ज़्यादा ना हो तो करते हैं सर्व। सो गाइस कर लिया है मैंने अपना सर्व खाना, तो खाता हूँ मैं अपना खाना और अब हम मिलते हैं इवनिंग में। कोशिश करूँगा कि आज जल्दी उठ जाऊँ, फिर हम चलेंगे एक राइड पर मस्त। थोड़ा अच्छा लगता है इवनिंग में, टाइम में हवा अच्छी चल रही होती है घूमना, तो करता हूँ पहले, मिलते हैं इवनिंग में। सो गाइस उठ गया हूँ सोकर और आज भी काफ़ी लेट हो गया है, और लेट किया टाइम हो गया है 6:05, लेकिन सफाई वाले भैया हमारे आए थे, ब्रजेंद्र भैया, वो कर रहे हैं अपना काम, तो जाना पॉसिबल हो नहीं पाएगा अभी बाहर। इवनिंग में वॉक करने चलेंगे कॉलोनी में। ब्रजेंद्र भैया हाँ क्या हाल है? बढ़िया अनाटन, है चलो ठीक तो तुम सफाई चल रही है। नहीं बहुत बताओ, तुमसे मैंने इतने दिन के लिए फिनल के लिए कहा, तो बताओ हम ले आए या तुम ले आओ? नहीं हम ले आएंगे, तुम ले आओ ना, बताओ पैसे पहले दे दे तुम्हें। चलो ठीक हम ले आएंगे। सही ठीक है हम चलो। सुने नहीं रह गया ना, हमको जरा मिल गया आपको तो सही है। नहीं थोड़ा किचन में ऐसा है, वो है ना थोड़ा दाग पड़ गए हैं, तो उसके लिए मैंने इनको थिनर के लिए बोला था। ये भी भूल जाते हैं और मुझे रास्ते में ऐसी कोई शॉप पड़ती नहीं है जहाँ मिल जाए। जा रहे होंगे जमुना प्रसाद भैया, तो आज उनके जा रहे हैं। अभी कहाँ जमुना प्रसाद, हाँ काम करने तो आने लगे हैं, काम करने डेली आ रहे हैं, तो मिलते हैं अब जब हम टहलने चलेंगे। सो गाइज अभी जो टाइम हो गया है वो टाइम हो गया 7:50। जमुना प्रसाद भैया अभी नहीं आए हैं, अभी अभी मैंने उनको कॉल किया तब वो ये कह रहे हैं कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, मतलब काफ़ी लेट हो गए मुझे। मुझे इवनिंग वॉक पर जाना था, वो भी मैं नहीं जा पाया हूँ। हाँ तो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, कल का आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा जिसमें जिसमें मैंने टाइटल दिया था कि मैं मनी को सेव करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। हाँ ये सच है, क्योंकि मेरा हाथ ना बहुत खुला हुआ है खर्चे पर। मैं जब भी जाता हूँ मेरी मम्मी मुझसे ज़रूर कहती हैं थोड़ी सेविंग किया करो, थोड़ी सेविंग किया करो, करना ज़रूरी है। बट आप जानते हैं जिस एज में जो मैं हूँ या जो एज होती है आपकी, जब आप अर्निंग इतना स्टार्ट कर देते हो 24 से लेकर आपकी 30-35 के बीच की जो एज होती है, उस एज में कभी सेंस जाता ही नहीं है कि हम सेव करें। बट नाउ आई डिसाइडेड, कल के मैंने ब्लॉग में एक छोटा सा क्लिप दिया था, मैंने कहा था कि मैं बैंक गया हूँ, एक अकाउंट मुझे ओपन कराना है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा नेट पर रिसर्च किया था। मेरे छोटे भाई ने भी मुझे बताया इसके बारे में, उसने बोला आप PPF अकाउंट ओपन करा लो। PPF अकाउंट मीन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन होता है आपका, किसी भी बैंक में वो ओपन हो सकता है। उस पर आपको एनुअली 7.1 इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, अगर आप इस एज के हैं, सीनियर सिटीजन है तो ज़्यादा मिल जाता है थोड़ा। उनका ये रहता है 15 ईयर्स तक आपको करना है डिपॉजिट, आप उसमें मिनिमम पर ईयर 1000 डिपॉजिट कर सकते हैं, बाकी आपका जितना आप कब्जा हो, मतलब जितना आप सेव कर सकते हो, 5000, 10000, 12000, जितना भी आप चाहते हो उसमें आप डालते रहिए। आपको 15 ईयर्स के बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलता है। इसका मेन मोटिव ये है, मुझे ये स्कीम इसलिए सही लगी है क्योंकि इसमें आपका इनडायरेक्टली आप सेविंग कर रहे हो, क्योंकि उसमें आप विड्रॉल नहीं कर सकते। नॉर्मल अकाउंट हमारा होता है सेविंग या करंट अकाउंट, हम विड्रॉल कर सकते हैं, इसमें विड्रॉल नहीं कर सकते। हाँ कुछ बैंक फैसिलिटीज़ देती हैं, आफ्टर फ्यू ईयर्स आप विड्रॉल कर सकते हो, बट उसके लिए आपको शायद थोड़ा चार्ज लगता है, तो कोई उसको नहीं करता है। तो मैंने यही डिसाइड किया, ये लूँगा, प्लस मैंने म्यूचुअल फंड में सोचा है और SIPs लेने का सोचा है। उससे मेरे को ये बेनिफिट है, मैंने कई सारे कैलकुलेटर यूज किए हैं जो आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, नॉर्मल जो वर्किंग में है, मैं उनके लिए ऐसा कह रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करना कि अचानक से कोई अगर आपके ऊपर एक्सपेंस आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप स्ट्रेस में रह जाएँ, तो आप इन प्रोग्राम्स को जो तीन मैंने आपको बताए हैं, PPF अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप अकाउंट ओपन करा लीजिए, SIPs ले लीजिए, आपकी 100 रुपये से SIP स्टार्ट हो जाती है, मंथली आपको देनी होती है, लेना चाहें आप जितना भी लेना चाहें ले सकते हैं, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। तो इनका रिटर्न, कुछ SIPs कुछ म्यूचुअल फंड का जिनका रिटर्न बहुत अच्छा है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको क्योंकि उसमें कभी कभी लॉस भी हो जाता है। आप इंटरनेट पे ले, सबसे पहले आप एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी आप कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ थी, यही मेरी प्लानिंग थी अपनी मनी को सेव करने की। तो अभी देखते हैं कितनी देर में आते हैं भैया।
फिर बनेगा तो मिलते हैं बाद। तो गाइस जमुना प्रसाद भैया जो है खाना बनाकर चले गए हैं, तो देखते हैं क्या बनाया है खाने में। खाने में सब्जी बनाई है, मटर टमाटर आलू की सब्जी और पराठे। तो करते हैं सर्व अपना खाना। तो गाइस सर्व कर लिया है हमने अपना खाना। तो खाना खाते हैं और मेरी जो प्लानिंग थी सेविंग करने की वो आज मैंने डिस्क्लोज कर दी है। आप लोग भी सेव करें, ये अच्छा है, कहते हैं ना आज की बचत कल का आधार बनती है। तो इसी के साथ एंड अप करता हूँ आज के इस ब्लॉग को, मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्यार दीजिए, आपका अपना ही चैनल है। मिलते हैं कल मॉर्निंग, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद जय हिंद की सेना, बाय।